गणेश उत्सव के दौरान काफी उत्साह और उमंग देखने को मिलती है, लेकिन जिला प्रशासन ने त्योहार मनाते समय कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में गणेश उत्सव के दौरान पुलिस विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई और इस दौरान यह जानकारी और निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पुसदकर, जिला योजना अधिकारी एस के बोरकर, निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गणेश उत्सव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने दी। साथ ही गणेश उत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए परिवहन विभाग को उचित निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसका ध्यान रखा जाए और विद्युत व्यवस्था की भी जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। उन्होंने नागरिकों से गणेश विसर्जन और ईद समारोह जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनजर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करने की भी अपील की। गणेश उत्सव के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग और विसर्जन के लिए शहर में बनाए गए कृत्रिम तालाबों और रास्तों के संबंध में दिए गए निर्देशों के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने विस्तार से जानकारी दी। नगर परिषद विभाग के अधिकारियों ने शहर में पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव मनाने के लिए नगर प्रशासन द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की जानकारी दी। मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों की स्थापना के उद्देश्य से भीड़ और असुविधा से बचने के लिए नगर परिषद को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे निर्देश योगेश कुंभेजकर ने दिए।